Assalamu alaikum class 6. What have you been up to? I hope you all are doing well. As you know class, we are studying our unit number 2, the Indus Valley Civilization. And today we are going to study our chapter number 3, that is Tools, Technologies, Science and Trade. And obviously they belong to the Indus Valley Civilization. So I think you got it. We are going to study about the tools, technologies, science and trade of Indus Valley Civilization. Okay class, what we will read in this chapter? We will read in this chapter about the tools which the people of Indus Valley Civilization used, the science and technologies which they used, and also how they trade with other countries. Class, the people of the Indus Valley Civilization used some tools like the ones we use today, and also they use some science and technologies which make us amazed that at that time, nearly 5000 years ago, how can they be so sophisticated in these things? And we also study that we found some evidence in different places so that we get the idea that the people of the Indus Valley Civilization traded with other countries far and near. Okay class, now we are going to study about each mean and resource in detail. Now class, we are going to study about tools used by the people of Indus Valley Civilization. Class, as I have already told you that the people of the Indus Valley Civilization used some tools like the ones we use today. And now we are going to study that what are the tools which they use. First of all class, let me tell ke the people of Indus Valley Civilization jo the unhone jo hai wo ek new technique jo hai wo daryaft kar li thi, wo thi metallurgy. Metallurgy METALLURGY. They invented that technique. और क्लास ये टेक्निक क्या होती है? ये टेक्निक ये होती है कि जब भी आप किसी मेटल को उसकी ओर यानी उसकी कान से निकालते हैं, ये तो हमें मालूम है ना कि मेटल्स वगैरह जो है वो कानों में जो है वो मौजूद है ज़मीन के अंदर, यानी कि पहाड़ों के अंदर या गारों के अंदर जो है वो हम बाकायदा ड्रिलिंग करके जो है वो इनको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। तो जब भी कोई मेटल वगैरह हम जो है वो इनकी ओर यानी जो कान होती है उससे हम निकालते हैं तो वो इम्प्योर स्टेट में होता है, वो प्योर स्टेट में नहीं होता। यानी कि हमें जो है वो उसमें से अगर फ़र्ज़ करें कि हमने आयरन जो है वो निकाला है, आयरन एक्सट्रैक्ट आउट किया है, तो उस वक्त जिस वक्त हम निकालेंगे वो बिल्कुल प्योर आयरन नहीं होगा, उसके अंदर बहुत सारे दूसरे मेटल्स या मिनरल्स जो होते हैं वो स्टिक हुए हुए होते हैं। तो उनको साफ़ करके सिर्फ वो चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है वो गेट करना और बाकी चीज़ों को जो है वो बाकी चीज़ों से उसको जो है वो प्योर कर देना, इसको कहा जाता है मेटलर्जी। आप इसको ये भी कह सकते हैं धात साफ़ करने का काम, या धात साफ़ करने की टेक्निक भी आप कह सकते हैं, धात साफ करने का अमल, यानी इसको जो है वो इसकी असल जो है वो स्टेट में लेकर आना। ठीक है क्लास, तो जो पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन थे उन्होंने जो है जब ये टेक्निक दरियाफ्त कर ली थी तो इसकी वजह से उन्होंने जो है वो बहुत सारे मेटल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया था और उसकी मदद से जो है वो डिफरेंट टूल्स जो है वो बनाते थे। तो क्लास यहाँ पर हमारे पास ये जो भी टूल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लें कि कौन कौन से टूल्स जो है वो यूज़ क्या करते थे। दे यूज हैमर्स, दे यूज एक्सेस, दे यूज सॉज। ठीक है क्लास, यहाँ पे हैमर हम सब जो है वो अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, एक्स यानी कुल्हाड़ी जो है वो हम अपने सब अपने घर में जो है वो यूज़ कर रहे हो, मतलब हम देख रहे होते हैं कि कुल्हाड़ी जो है वो किस तरीके से यूज़ होती है। चीज़ल्स, चीज़ल्स क्लास की वो टूल है, अभी कभी आप लोगों ने देखा होगा
के सिलें होती हैं आप लोगों के घर में, जिसमें जो है वो हमारी अम्मियाँ जो है मुख्तलिफ काम करती हैं, कबाब वगैरह और तमाम चीज़ें जो है वो उसमें जो है वो पीस रही होती है। तो जी सिलें होती हैं, बाज़ औक़ात क्या होती है कि हमें उनमें जो है वो धार करने के लिए हम उसको किसी चीज़ से या उससे जो है वो उसको कूटते हैं, यानी उसको जो है वो स्ट्राइक करते हैं, जिससे उसके अंदर जो है वो सिल के अंदर धार पैदा हो जाती है। ठीक है, तो क्लास ये वो जो हम जिस टूल से करते हैं वो होते हैं चीजल्स होते हैं। ठीक है क्लास। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास रेजर्स, रेजर्स आप जानते हैं, नीडल्स, नीडल्स आपको पता है कि किस लिए इस्तेमाल हम करते हैं, फिश हुक्स यानी फिशेस कैच करने के लिए जो फिश हुक्स जो है वो यूज़ होती हैं। सो दीज आर ऑल द टूल्स विच आर यूज बाय द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मे बी दे यूज मैनी अदर टूल्स, बट वी गेट एविडेंसेस ऑफ दैट टूल्स दैट दे वर यूज बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये चीज़ें हमें जो हैं वो ऐसे पता चली, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एंशियंट सिविलाइजेशन है, तो हमें इनके बारे में कैसे पता चलेगा। इनके बारे में हमें ऐसे पता चला कि जब वहाँ की एक्सकेवेशन हुई, ये सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, डिगिंग हुई वहाँ की, तो वहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो मिली हैं, जिससे ये पता चला। तो क्लास जो हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है वो इन टूल्स का है, तो आप इसको जो है वो जहन में रख लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैमर्स, एक्सेस, चीजल्स, रेजर्स, नीडल्स, फिश हुक्स, सॉस। आई एम गोइंग टू रिपीट इट, हैमर्स, एक्सेस, चीजल्स, रेजर्स, नीडल्स, फिश हुक्स, सॉस। ठीक है क्लास। नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन सो दैट यू कैन रिमेंबर इट। Hammers, axes, chisels, razors, needles, fish hooks, saws. Now class, I hope you got it. अच्छा क्लास, ये जो तमाम जो ये जो टूल्स हैं जिनके मैंने नाम अभी आपको जो है वो याद करवाए हैं क्लास, ये जो टूल्स थे ये किससे बने हुए होते थे, इनका जो मटेरियल होता था वो क्या होता था? ये जो है वो मेटल से बने हुए होते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग मेटलर्जी से जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मेटल से ये जो है वो यूज़ क्या करते थे। तो मेटल्स जो है वो हमारे पास कौन कौन से होते थे जिनसे ये बने हुए होते थे? मेटल्स होते थे हमारे पास कॉपर, ब्रॉन्ज, टिन और लेड। ये तमाम जो है वो चार मेटल जो है वो ज़्यादातर ये यूज़ क्या करते थे? कॉपर, ब्रॉन्ज, टिन एंड लेड। और इनकी जो एज है, ये जिस एरा से बिलोंग करते हैं उसको भी ब्रॉन्जी एज कहा जाता है, क्योंकि इनके जो एक्सकेवेशन हुई है उसमें ब्रॉन्जी की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिली हैं। इट मीन्स कि उस वक्त ब्रॉन्जी जो है वो डिस्कवर हो चुका था। ठीक है क्लास। तो ये जो मेटल्स हैं ये यूज होते थे इन टूल्स को बनाने के लिए, ब्रॉन्जी, टिन, लेड। अच्छा क्लास, इसके अलावा जो है वो कुछ स्टोन से बने हुए भी जो है वो टूल्स इस्तेमाल किया करते थे, यानी वो टूल्स जो है वो स्टोन से भी बनाया करते थे। और स्टोन किस टाइप का होता था? एक ग्रे टाइप की जो है वो एक रॉक थी हुआ करती है जिसका नाम होता है फ्लिंट। वो एक ग्रे टाइप की रॉक होती है, स्टोन, उसके स्टोन से भी वो बहुत सारे जो है वो टूल्स जो है वो बनाया करते थे। सो यू कैन से दैट द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड देयर टूल्स विद मेटल्स सच एज कॉपर, ब्रॉन्ज, टिन एंड लेड, एंड ऑल्सो विद स्टोन, एंड यू कैन से दैट विद फ्लिंट। फ्लिंट मीन्स ग्रे रॉक, और इसी के स्टोन्स वो यूज क्या करते थे? टूल्स बनाने के लिए। नाउ क्लास सिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज बाय द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर अमोंग द फर्स्ट टू डिवेलप अ सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स टू एक्यूरेटली मेजर द लेंथ, मास एंड टाइम। ओके क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट वट आर द टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लेंथ। हाउ दे मेजर लेंथ? क्लास इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब एक्सकेवेशन हुई, यानी उस साइट की जब एक्सकेवेशन हुई, तो वहाँ से जो है वो कुछ आइवरी रूलर्स मिले। आइवरी रूलर्स से मुराद ये, यानी कि आइवरी कहते हैं हाथी दांत को, यानी कुछ ऐसे जो है वो रूलर्स स्केल जो है वो टाइप की चीज़ें मिली जो कि हाथी दांत के जो है वो बने हुए थे, और उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था दे वर यूज टू मेजर लैंड।
ठीक है क्लास। अच्छा अब ये कुछ रूलर्स मिले, लेकिन वो इतनी ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा सही कंडीशन में नहीं थे। एक रूलर जो मिला वो जैसा कि आपके बुक में भी गिवन है कि लोथल जो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है वहाँ से मिला, लेकिन जो है वो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसमें जो ब्रिक्स यूज हुए हुए हैं उससे मालूम हुआ कि कितने एक्यूरेटली जो है वो ये लैंड जो है वो मेजर किया करते थे। तो जब उसको जो है वो इस पर जो है वो रिसर्च की तो पता चला कि वो जो रूलर यूज़ किया करते थे उसका एक यूनिट जो होता था वो 33.5 मीटर का होता था। ईच यूनिट इज इक्वल टू 33.5 सेंटीमीटर का जो है वो एक यूनिट हुआ करता था, जो वो यानी अभी के मुताबिक, अभी का जो 33.5 सेंटीमीटर जितनी लेंथ होती है उसके मुताबिक उनका उस वक्त का एक यूनिट जो है वो हुआ करता था। अब हम ये नहीं जानते कि वो उस यूनिट को क्या कहा करते थे, एज यू नो दैट कि कोई राइटिंग वगैरह अभी तक डेसिफर नहीं हुई, तो इसलिए, लेकिन ये हमें मालूम हो गया उन जब हमने उस उन ब्रिक्स की जो है वो ऑब्जर्वेशन की जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुई हुई है कि एक यूनिट इनका इतना बड़ा हुआ करता था और बाकायदा जो है वो बहुत एक्यूरेटली यानी जो इससे एक्यूरेसी का अंदाज़ा में ऐसे हुआ कि वो तमाम जो ब्रिक्स थी वो बिल्कुल एक साइज़ की थी। तो ये इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट प्रॉपर मेजरमेंट, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि जब तक जो है वो कोई चीज़ प्रॉपरली मेजर ना की जाए और वो बिल्कुल जो है वो इक्वली जो है वो हो। तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पर जो है वो प्रॉपर जो है वो मेजर प्रॉपरली वो जो है वो लेंथ वगैरह मेजर क्या करते थे। एंड सेकंड थिंग वी हैव वेट, हाउ दे मेजर देयर वेट, वेट जो है वो किस तरीके से अपना जो है वो मेजर किया करते थे। तो उसके बहुत सारे जो है वो यूनिट्स जो है वो वहाँ से बाकायदा जो है वो मिले हैं कि वो किस तरीके से जो वो जिसको जो है वो वेट मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा वेट का इनका जो एक यूनिट हुआ करता था वो होता था 28 ग्राम्स। ईच यूनिट हुआ करता था यहाँ पे 28 ग्राम्स का। अच्छा क्लास ये जो 28 ग्राम्स हैं ये असल में इक्वल हैं अभी के इंग्लिश ओंस, या ओंस एक जो है वो हमारे पास यूनिट होता है जिसमें हम जो है वो किसी चीज़ को जो है वो वेट करते हैं। तो क्लास इंग्लिश ओंस या ग्रीक ओंसी यानी ये जो है वो दोनों जो है वो मेजर वेट को मेजर करने के यूनिट है। तो अभी जो 28 ग्राम का वो करता है वो इंग्लिश ओंस होता है या फिर ग्रीक ओंस होता है उसके बराबर जो है वो इनका जो है वो एक यूनिट जो है वो हुआ करता था। और फिर इनके जो यूनिट होते थे उसके मुख्तलिफ वो होते थे, यानी वो 0.1 यूनिट का भी इस्तेमाल करते थे, 0.2 यूनिट का भी जो है वो इस्तेमाल करते थे, और जो है वो 100 जो है वो 100 उसका यूनिट जो भी वो यूज़ करते थे उसका जो है वो इस्तेमाल करते थे। यानी कि अगर वो जो है वो एक वेट जो है वो यूज़ किया करते थे जो कि 100 उनके मुताबिक जब उनका 100 यूनिट हुआ करता था तो उस वक्त का जो भी यूनिट था जैसे कि हम मेजर करने के लिए किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त का जो भी जो है वो यूनिट था वो अगर वो 100 इस्तेमाल करते थे तो वो इस तरीके से होता था 100 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है क्लास। तो यानी कि अभी के अगर वो 100 यूनिट का अपना वेट यूज़ किया करते थे तो वो अभी के मुताबिक कितना होगा 2800 ग्राम्स का जो है वो यूनिट होगा। यानी इस तरीके से वो अपने जो है वो वेट इस्तेमाल किया करते थे। जितना हमने जो है वो इनके हवाले से जो भी इनकी चीज़ें मिली हैं उससे हमने पता लगाया तो हमें ये इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल हुई है। ठीक है क्लास। अच्छा क्लास अब जो है वो हमारे पास बताया गया है कि यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी थे, इतने एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी थे जो कि हॉराइजन को पूरा जो है पूरे हॉराइजन को जो है वो मेजर कर सकते थे। वी डोंट नो कि वो किस टाइप के जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, वो कैसे उसको यूज़ किया करते थे, लेकिन इस बात के एविडेंसेस मिले कि इनके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद थे जिसकी मदद से वो हॉराइजन पूरे हॉराइजन कहते हैं। क्लास आपने अक्सर देखा होगा कि हमें एक मतलब अगर हम काफ़ी दूर अगर हम देखें आसमान की तरफ तो हमें जो है वो या अगर आप जो है वो सी कोई सी का व्यू ले लें तो आपको ऐसा लगता होगा कि एक पॉइंट पे आके ज़मीन और आसमान जो है वो आपस में मिल रहे हैं। इसको हम स्काईलाइन भी कहते हैं, यानी ज़मीन और आसमान हमें मिलते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ होती है हॉराइजन कहलाती, तो इसको बाकायदा जो है वो मेजर किया करते थे। यानी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास थी
और इसके अलावा जो है वो जो है टाइडल डॉग को भी जो है वो मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। क्लास टाइडल डॉग वो जगह होती है, डॉग वो जगह होती है जहाँ पे जो शिप्स आकर जो है वो एंकर्ड होती हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है वो बहुत सारे डॉक यार्ड्स वगैरह हुआ करते थे, यानी क्योंकि वो ट्रेड किया करते थे दूसरे कंट्रीज से थ्रू शिप्स, तो शिप्स से ट्रेड करने के लिए जैसी बात है डॉक यार्ड वगैरह का होना ज़रूरी है जहाँ पर शिप्स आकर जो है वो एंकर्ड करती हैं, जहाँ पर आकर रोकती हैं। जैसे जहाज़ आकर कहाँ पर जहाज मतलब होते कहाँ पर होते एयरपोर्ट पर होते, इसी तरीके से शिप्स होती हैं वो डॉक पर जो है वो आती हैं, वहीं से जो है वो अपने सफ़र के लिए रवाना होती हैं और वहीं पर अगर कोई रिपेयरिंग वगैरह होनी होती है तो वहीं पर होती है, वहीं पर ठहरती है और कुछ लोडिंग अनलोडिंग जो कुछ भी होता है वहीं से होता है। ऐसा आपने कभी देखा है कि जहाज़ जो है वो किसी के घर तक गया एयरपोर्ट तक आता है, इसी तरीके से शिप्स सिर्फ कहाँ तक आती हैं डॉक्स तक आती हैं। तो उसके मुख्तलिफ जो सेक्शंस हुआ करते थे उसको बाकायदा जो है वो मेजर जो है वो क्या करते थे, किस तरीके से एक्यूरेटली जो है वो उसके सेक्शंस जो है वो बनाने हैं। ठीक है क्लास।